फाइनली विक्रांत अपने दिल की बात कीर्ति से कह देता है और कीर्ति भी विक्रांत को पसंद करने लग जाती है। इसलिए तो जब जब देव विक्रांत से दूर रहने के लिए कीर्ति से कहता है, कीर्ति विक्रांत यानी कि सरकार की साइड लेकर देव को पारू और उससे दूर रहने के लिए कहती है। सस्पेंड होने के बाद भी और विक्रांत से हारने के बाद भी देव विक्रांत को एक्सपोज करने की कोशिश करता रहता है, पर विक्रांत को देव की खबर लगी जाती है और विक्रांत देव को ही मर्डर केस में फंसा देता है। फिर क्या ये केस और बढ़ जाता है और इन सब मर्डर्स के लिए विक्रांत नहीं बल्कि देव ही जिम्मेदार हो जाता है। क्या देव कर पाएगा एक्सपोज विक्रांत को कीर्ति के सामने? क्या देव को माफ करेगी कीर्ति या फिर विक्रांत ही देव को और फंसा देगा? कीर्ति और विक्रांत दोनों ही उनकी शादी से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे कि विक्रांत ने कीर्ति को सबके सामने प्रपोज किया, कीर्ति भी विक्रांत से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वैसे स्टार प्लस के सीरियल कह दो तुम्हें में विक्रांत और कीर्ति की शादी होने वाली है, ये सुनकर देव शॉक्ड हो जाता है और ये कोशिश करता है कि कैसे भी करके विक्रांत को एक्सपोज कर कीर्ति को उससे बचा ले। पर विक्रांत भी ये जानकर कि देव उसे एक्सपोज कर सकता है, विक्रांत अंजलि के मर्डर केस में और बाकी सारे केस में देव को ही फंसा देता है। जानना और देखना तो ये होगा अब कि क्या विक्रांत को एक्सपोज कर पाएगा या नहीं देव, या फिर कीर्ति ही सच जान जाएगी। क्या सामने भी आ पाएगा मर्डर्स के पीछे का राज? क्या होगा रिएक्शन जब कीर्ति को सच पता चलेगा? देखिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।